Here's 7 things that you can do to fix your posture in order to be more sexy. Before anything else, you need to fix your chair. मैं उस चेयर की बात कर रहा हूँ जिसपे तुम अपना सबसे ज्यादा टाइम बिताते हो, पूरे दिन का सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो। ये तुम्हारी ऑफिस चेयर हो सकती है जिस पर तुम पूरे दिन बैठ के कंप्यूटर पे काम करते हो, या फिर तुम्हारी गेमिंग चेयर है अगर तुम गेमर हो, या फिर तुम्हारी स्टडी चेयर है, पूरे दिन तुम एक चेयर पे बैठ के स्टडी करते रहते हो। तुम्हें उस चेयर को ठीक करना पड़ेगा। यू सी, यू स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ योर टाइम ऑन दैट चेयर एंड ऑन दैट टेबल, राइट? तो तुम्हें उस टेबल और चेयर को अपने बॉडी के अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना पड़ेगा। तो 2-4 ऐसी चीजें हैं जिनका तुम्हें ध्यान रखना है व्हाइल यू आर एडजस्टिंग दैट टेबल एंड दैट चेयर फॉर योर बॉडी। अपने टूल्स को अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना है अपने टेबल पे, जिससे कि तुम्हारे फोरआर्म्स हमेशा ग्राउंड से पैरेलल रहें, तुम्हारे फीट हमेशा ग्राउंड को टच करके रखें, और तुम्हारी जो भी स्क्रीन है जिसमें तुम देखकर काम कर रहे हो या फिर देखकर पढ़ रहे हो, वो तुम्हारे आई लेवल पर हो। ना तुम्हें ऊपर देखना पड़े और ना ही नीचे देखना पड़े, अदरवाइज नेक पेन कर सकती है। सो कीप दैट एट योर आई लेवल। और चेयर पे हमेशा अपनी बैक को स्ट्रेट करके बैठना है। यू कैन इवन यूज अ लंबर सपोर्ट फॉर दैट, और या फिर इसके अलावा तुम कोई टॉवल को रोल करके भी अपने लोअर बैक के पीछे रख सकते हो, जिससे कि वो अपनी नेचुरल पोजीशन में बनी रहे। तो सबसे पहले अपने टेबल और चेयर को एडजस्ट कर लेना है, जिससे कि तुम्हारे जो बॉडी पोस्चर है वो नेचुरली उस पोजीशन में ढल जाए, और फिर चाहे तुम खड़े हो या तुम बैठे हो, नेचुरली तुम्हारी बॉडी वही पोस्चर अस्यूम करेगी। नंबर 2, डोंट लुक डाउन ऑन योर फोन ऑल द टाइम। यू सी, कुछ साइंटिस्ट ने एक स्टडी करी थी, उनका मकसद था ये देखना कि हम जब अपने फोन को नीचे की तरफ देख रहे हैं तो हमारे रेस्पिरेटरी फंक्शन में क्या बदलाव, क्या चेंजेस आते हैं, क्या जोर पड़ता है या नहीं। तो उन्हें ये पता चला कि अगर तुम कंटिन्यूसली अपने स्मार्टफोन को देख रहे हो नीचे मुंह करके, तुम्हारे आई लेवल पर नहीं है स्मार्टफोन, तो उससे ब्रीदिंग के अलावा पोस्चर प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं और तुम्हारा नेक आगे जा सकता है शोल्डर से, विच इज रियली नॉट अ गुड थिंग एट ऑल। तो पूरे टाइम अपने फोन पे लगे नहीं रहना है, दैट इज इवन बेटर। और अगर तुम्हें बहुत ज्यादा जरूरी काम है, अगर तुम्हें फोन चलाना ही है, तो एटलीस्ट उसे अपने आई लेवल पे रखने की कोशिश करो। अगर बैठ के फोन यूज कर सकते हो तो टेबल पे अपने हाथ को रख के फिर अपने आई लेवल पे अपने फोन को रखने की कोशिश करो। ऑल इन ऑल नीचे की तरफ नहीं देखना है फोन को पूरे टाइम, अदरवाइज दैट कैन कॉज सम सीरियस पोस्चर रिलेटेड प्रॉब्लम्स फॉर यू। नंबर 3, प्रिवेंट दिस। तो जो लोग पूरे टाइम कंप्यूटर पे बैठे रहते हैं, कुछ काम कर रहे हैं, या फिर गेमर्स हैं, या फिर जो भी रीजन है, उन लोगों की नेक नेचुरली आगे की साइड आ जाती है और कंधे पीछे चले जाते हैं, मतलब ऐसे आगे लीनिंग पोस्चर में उनका हेड आ जाता है। और अगर तुम्हारी नेक नेचुरली इस पोजीशन में आ जाती है तो उससे काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। नेक में हमेशा पेन रहेगा, शोल्डर ब्लेड्स में पेन रहेगा, और अगर तुम लंबे टाइम तक इसको ऐसे ही छोड़ देते हो अनचेक, तो बाद में उसको ठीक करना भी काफ़ी मुश्किल हो सकता है। सो व्हाइल यू आर सिटिंग एट योर कंप्यूटर, डोंट लीन फॉरवर्ड विद योर नेक, उसको सही तरीके से अपनी नेक को रखो। और अगर तुम्हें नहीं पता चल रहा है कि ये प्रॉब्लम तुम्हारे साथ है या नहीं है, तो एक दीवार के अगेंस्ट में तुम लोग लीन करके खड़े हो सकते हो अपने दोनों शोल्डर ब्लेड्स को दीवार से टच करते हुए, और अगर तुम्हारा हेड नेचुरली वॉल को टच नहीं कर रहा है, देन माई फ्रेंड यू गॉट दिस प्रॉब्लम, बट डोंट वरी, यू कैन फिक्स दिस इजिली। अपने शोल्डर्स को थोड़ा सा मसाज करो और थोड़ी स्ट्रेचिंग शुरू करो, तो उससे आराम से ये प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। एंड बाय द वे, इफ यू आर एंजॉयिंग दिस स्टफ, अ लाइक टू दिस वीडियो एंड up to the channel will be really really appreciated, guys. And also don't forget to check out the channel, we've got some more awesome videos like this one. Number 4, take care of rounded shoulders. So it doesn't matter whether you are sitting or standing, agar tumhare shoulders sahi position mein nahi hai, then you are not going to look good. No matter what you are wearing, no matter how you talk, you speak, how you smell, you are not going to look good, man. You're going to look sloppy. Aisa lagega jaise tum thake hue ho bahut zyada aur kuch bhi karne ka man nahi hai, and you are not confident, or basically acche नहीं लगोगे। तो भाई राउंडेड शोल्डर्स का हमेशा ध्यान रखना है, कभी भी अपने शोल्डर्स आगे की तरफ ऐसे झुके हुए नहीं रखने, उनको हमेशा पीछे पुश करके रखना है, चेस्ट आउट शोल्डर्स बैक, हमेशा यही पोस्चर में रखना है अपने बॉडी को। तो सबसे सही तरीका अपने शोल्डर्स को सही पोस्चर में लाने का, पुश देम बैकवर्ड्स एंड डाउन, दिस इज द नेचुरल पोजीशन दैट यू शुड बी स्टैंडिंग इन। और अगर तुम्हें बहुत ज्यादा आदत है अपने कंधों को आगे रखने की, तो हो सकता है थोड़ा सा मुश्किल पड़े तुम्हें उन्हें पीछे स्ट्रेच करने में, तो तुम्हें थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करनी पड़ेगी पीछे की साइड अपने हाथों को स्ट्रेच करके, या फिर किसी भी डोरवे में अपने हाथों को फंसा के आगे की तरफ जाते हुए अपने कंधों को पीछे स्ट्रेच करना पड़ेगा। थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग से ये ठीक हो जाएगा, पर ध्यान रखना है कभी भी राउंडेड शोल्डर्स नहीं लेके चलना, हमेशा अपने शोल्डर्स पीछे रखने हैं व्हाइल यू आर वॉकिंग, टॉकिंग, स्टैंडिंग, सिटिंग, व्हाटएवर, लाइक अ रियल मैन। नंबर 5,
फिक्स योर डाइट। अगर तुम सही खाना नहीं खा रहे हो और तुम्हारा वेट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो वो नेचुरली तुम्हारे बॉडी के ऊपर ज्यादा प्रेशर डालेगा। नेचुरली अगर तुम्हारे स्टमक एरिया में बहुत ज्यादा फैट एक्यूमुलेटेड है तो तुम आगे की तरफ झुक जाओगे और तुम्हारे लोअर बैक में बहुत ज्यादा स्ट्रेन पड़ेगा, जिससे तुम्हारी हड्डियां भी कमजोर हो जाएंगी क्योंकि उन पे बहुत ज्यादा स्ट्रेन पड़ रहा है कॉन्स्टेंटली, जो कि नेचुरल नहीं है क्योंकि तुम्हारी बैड डाइट की वजह से वो वेट वहां पर आया है। तो बहुत ज्यादा ओवरवेट नहीं रहना है क्योंकि उससे भी तुम्हारा पोस्चर खराब हो सकता है, तुम आगे की तरफ ऐसे झुक के रह सकते हो एंड योर बॉडी इज गोइंग टू अस्यूम दैट एज द नेचुरल पोस्चर। सो कीप योर बॉडी वेट इन चेक एंड ईट हेल्दी फूड दैट स्ट्रेंथन्स योर बोन एंड दैट इज गोइंग टू इंप्रूव योर पोस्चर इन रिटर्न। नंबर 6, use the perfect walking technique. So if you don't know, walking technique में भी बहुत कुछ होता है and the way you walk tells a lot about you. So सही तरीके से walk करना है, stand tall, don't hunch, eyes up. और जब तुम walk कर रहे हो तो हाथों के साथ साथ shoulders को भी थोड़ा थोड़ा सा swing करना है, बहुत ज्यादा नहीं करना, थोड़ा सा natural लगे इतना करना है। Starting में तुम्हें हो सकता है कि थोड़ा बहुत effort करना पड़े इस चीज को करने के लिए, but over time naturally ये तुम्हारी walking technique में आ जाएगा। And keep in mind while you're walking, step lightly on on the floor. बहुत ज्यादा फोर्स के साथ अपने पैर जमीन पर नहीं रखने हैं, तरीके से चलना है like a gentleman, step by step. And finally, number 7, straighten up every once in a while. अपने फोन में तुम लोग रिमाइंडर लगा सकते हो या फिर अपने हाथ पे कुछ पेन से बना सकते हो जिसे देख के तुम्हें याद आए कि yes, we have to straighten up. क्योंकि बैठे बैठे हम लोग झुक जाते हैं, काम करते करते ध्यान नहीं रहता हमें, झुक जाते हैं आगे, तो अगर तुम वो चीज देखोगे तो तुम्हें याद आएगा yes, we have to straighten up every once in a while. तो अपनी कमर को, अपने कंधों को सब कुछ सीधा करना है, अपने out, shoulders पीछे, lower back सीधी, and that is surely going to improve your posture subconsciously to make you appear even sexier. And with that being said, I'll catch you in the next one.